बंध्यातन दोस्तों, वाक्षी की समृद्ध बात विषय के तहत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक विनेगर्स के बारे में, बेनिफिट्स। शायद आपने ऑर्गेनिक विनेगर्स के बारे में पढ़ लिए होंगे इंटरनेट पर। मुख्य रूप से 4-5 बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले, जो ऑर्गेनिक विनेगर्स होते हैं ये बहुत माइल्ड एसिटिक एसिड होते हैं, यानी कि माइल्ड एसिड का मतलब आप ये समझ लीजिए जहाँ जहाँ शरीर में से ये जाएंगे वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सफाई करते जाएंगे। तो जो सबसे पहला महत्वपूर्ण काम होता है विनेगर्स का, वो होता है शरीर की सफाई करना, इसको डिटॉक्सिफाई करना। सुबह सुबह अगर खाली पेट आप विनेगर पानी के साथ में मिक्स करके पीते हैं तो ये शरीर की सफाई करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसीलिए शरीर में नए सेल्स के निर्माण के रास्ते को खोल देता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायबिटीज़ को भी और कोलेस्ट्रॉल को भी, दोनों में को कम करने की क्षमता रखता है। कोलेस्ट्रॉल को मुख्य रूप से कम करने की क्षमता इसलिए है क्योंकि बॉडी में से ये फैट को रिमूव करेगा। माइल्ड एसिड है ना, तो माइल्ड एसिड जाएगा तो फैट को रिमूव करेगा। इसीलिए फैटी लीवर के केसेस जहाँ होते हैं, यूरिक एसिड के जहाँ केसेज होते हैं, वहाँ पर भी ये हल्का मदद करता है और मददगार साबित होता है। इंसुलिन की प्रोडक्शन में पेनक्रियास की क्या है, अब कोई भी ऑर्गन है, वैसे तो आप इसके लॉजिक को इस तरह समझिए, कोई भी ऑर्गन है उसको अगर ऊपर से सफाई करने में मदद करेगा, सफाई का काम हो गया ना माइल्ड एसिड का, तो वो वहाँ की फंक्शनिंग को बढ़ा देगा। तो इसलिए पेनक्रियास में और जहाँ डायबिटिक पेशेंट्स को दिया गया वहाँ पर भी इसके जो है बेनिफिट्स देखे गए कि ये डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में अपनी मदद कर देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, विटामिन से, मिनरल से और गुड बैक्टीरिया से जो है ये भरा हुआ है। अब जैसे एप्पल साइडर विनेगर है, बना तो एप्पल से है ना, अब कोई अगर आप इसमें पेस्टिसाइड केमिकल्स कुछ नहीं डालोगे तो प्योर एप्पल को फर्मेंट करके एक सिरका बनाए, जाहिर सी बात है इसमें मिनरल, विटामिन और गुड बैक्टीरिया फर्मेंटेशन के कारण जो बन गया वो इसके अंदर जो है लाभदायक रहने वाला है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, शरीर के अंदर कैंसर तक को रोकने की इसके अंदर क्षमता होती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन काफ़ी हद तक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। मिनरल विटामिन्स अच्छे होते हैं, तो अगर साल में मैं ये कहता हूँ 1-1.5 महीना 2 महीना इसको लेते हैं तो शरीर की सफाई करके, शरीर के ऑर्गन्स को अच्छा करके, विटामिन मिनरल्स आपको दे के स्किन को आपकी और अच्छा करने में ये मदद कर सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको विनेगर्स के बारे में बताए हैं, मुख्य रूप से वाक्षी पर अभी फ़िलहाल के लिए। वैसे हमारे पास में रेंज 8 या 10 विनेगर्स की भी हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रेंज करने से ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिल जाए ऐसा नहीं। वाक्षी ने कभी 5-6 साल में बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया, लेकिन विनेगर अच्छी चीज़ है, आप साल में 1-2 बार ज़रूर ले सकते हो। ऐसे केस के अंदर एक वाक्षी के पास में आता है एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर में ध्यान रखा जाता है कि ऑर्गेनिक एप्पल्स के साथ में बने हुए हों, साथ के अंदर इसके अंदर मदर नेचर हो, और ऑर्गेनिक स्टोर्स के अंदर जितने वाक्षी के माध्यम से आपके पास में विनेगर्स आते हैं उसमें ध्यान रखा जाता है कि वो कांच की बॉटल में ही दिए जाएँ। कोई यूरिया, केमिकल, पेस्टिसाइड्स नहीं है, किसी तरह के प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कांच की बॉटल में आपको दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स नहीं है, मदर नेचर नीचे रहनी चाहिए। मदर नेचर मतलब नीचे जो है यहाँ पे पूरा इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फिल्टर नहीं किया जाता ताकि शरीर को बेनिफिट्स पूरे मिले। तो एप्पल साइडर विनेगर आपके लिए अच्छी चीज़ हो गई। जामुन विनेगर, ये डायबिटीज़ को और ज़्यादा कंट्रोल करने में मदद करेगा क्योंकि जामुन के बेनिफिट्स इसके अंदर आ गए। और तीसरा हो गया आपका शुगर केन विनेगर, सैलड्स के ऊपर ड्रेसिंग करने में स्वाद भी होता है शुगर केन विनेगर, बेनिफिशियल भी शरीर के लिए बहुत होता है। तो इस तरीके से आप तीनों विनेगर्स का लाभ जो है वाक्षी पर ले पाएंगे। ये तीनों विनेगर्स आपको उपलब्ध करवाने की वाक्षी कोशिश करेगी, लगातार कोशिश चल रही है भारत के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद आप तक पहुँचाने की। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।